हेलो दोस्तों, आज हम लेफ़्ट साइड का एलिवेशन देखेंगे। यहाँ पर जो कि स्टेयर्स दिख रहे हैं और इस साइड जो लिफ्ट का पैकेज है, तो यहाँ पर हम कुछ बाहर के साइड में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो वॉल है इसमें काफ़ी स्पेस है, तो यहाँ पर भी हम कुछ डिज़ाइंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ कुछ पैटर्न बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल सेलेक्ट करेंगे और पॉलीगॉन्स में जाएंगे। जितने भी पॉलीगॉन्स है उसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं हम कंट्रोल के साथ। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे डिटैच में और डिटैच एस क्लोन करेंगे। उसके बाद इसे सेपरेटली सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था वैसे ही, सबसे पहले एजेस को पकड़ेंगे और इसे ब्रीच कर देंगे। ओके, इतने सब ब्रिज हो जाने के बाद हम थोड़ा सा एक्सट्रूड करेंगे। तो शिफ्ट के साथ इसे मैं ज़रा नीचे की ओर एक्सटेंड कर देता हूँ। और सिमिलरली यहाँ पर ऊपर आ जाते हैं और ऊपर में भी शिफ्ट के साथ से एक्सटेंड। ओके, यहाँ पर मैं मटेरियल को चेंज कर रहा हूँ। जो हमने एलिवेशन फ्रंट में दिया था उसी मटेरियल को हम यहाँ पर ले लेंगे। ओके, सॉरी, ये डोर है। एलिवेशन में आते हैं, एलिवेशन वन, और इसे असाइन कर देता हूँ। ओके, अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ पैटर्न्स क्रिएट करना है हमें। तो सबसे पहले एक तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ए सिलेक्ट करके, सॉरी, एलिमेंट ले लेता हूँ कंट्रोल ए, और यहाँ पर कुछ ब्रिज जो है हमने किया था बट ब्रिज हुआ नहीं है। आई थिंक मुझे एक बार बॉर्डर सिलेक्ट करके देखना है। ओके, ब्रिज हुआ नहीं है तो ब्रिज हमें फिर से देना होगा। एलिमेंट एक बार सिलेक्ट करता हूँ, अल्ट क्यू करके देखता हूँ। ओके, तो ब्रिज जो है हुआ नहीं है यहाँ पे, तो फिर से एजेस सिलेक्ट करेंगे और ब्रिज देंगे। ब्रिज हो नहीं रहा है। गैजेस तो सही है बट ओके, अब हुआ। आई थिंक मैंने ड्रैग करके सिलेक्ट किया था, मे भी कुछ इशू होगा। ओके, ब्रिजेस हो गए सारे। अब हम फाइनली क्या करेंगे, सारे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्लाइस प्लेन ले लेंगे। स्लाइस प्लेन लेने के बाद इसको पहले रोटेट करते हैं प्लेन को 90 डिग्री, और इसे हम प्लेस करेंगे ज़रा इक्वल डिस्टेंस पे, इतना कुछ क्या, और स्लाइस कर देंगे। अब आइसोलेशन मोड ऑफ कर दिया। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है हमारे पास में, अगर हम विंडो को सेपरेटली एलिवेशन में दिखाना हो तो। यहाँ पर स्लाइस प्लेन को ज़रा सा मैं इस तरफ लेके जाता हूँ और एक स्लाइस यहाँ पे दे देता हूँ। अगेन यहाँ पर सिमिलर डिस्टेंस में एक स्लाइस दे देता हूँ, ताकि अब जो पॉलीगॉन्स हम सिलेक्ट करेंगे, आइसोलेशन मोड पे आ जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर अब इतने पॉलीगॉन्स को सिलेक्ट करके डिलीट, अगेन इतने पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके डिलीट,
अब हमें क्या करना है, एक शेल मॉडिफायर का यूज़ करना है। ओके, अब शेल में हम देख सकते हैं लास्ट टाइम हमने इसमें कितना वैल्यू लिया था। एक बार अगर चेक करना हो तो हम शेल में चेक कर देंगे, 20 था। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम 20 दे देंगे। ओके, मटेरियल एक बार फिर से असाइन करना होगा क्योंकि अपर साइड का जो मटेरियल है थोड़ा अलग आ रहा है, एक बार ड्रैग करके रख देंगे। ओके, तो ये कुछ आउटर साइड का है और इधर जो सिंपल प्लेन है तो सिंपल प्लेन के जगह में हम कुछ पैटर्न्स रख सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ लाइनिंग्स वगैरह रख सकते हैं, तो जो भी हमें ठीक लगता हो। तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके का पैटर्न एक रखेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एक एडिट पॉली इंसर्ट करेंगे, और ये जो एज है इस एज को पकड़ के बॉटम के एज को सबसे पहले निकाल देते हैं हम। डबल क्लिक, कंट्रोल बैक स्पेस, और इसे सिलेक्ट, इसे भी सिलेक्ट, और इसमें हम क्या करेंगे, चैम्फर दे देंगे। चैम्फर लेने के बाद यहाँ पर 10 का या फिर 50 का कुछ ऐसे वैल्यू रख देते हैं। ओके, ये छोटा सा भी ठीक है, या फिर 100 रखना हो तो 100 रख के देख सकते हैं, बट आई थिंक 50 ज़्यादा इनफ है। 50 देन यहाँ पर हमें सबसे पहले ये सारे एजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसके लिए अभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसे रिंग करके, ओके, एक बार एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं और इसे डिटैच कर देते हैं ताकि ऑब्जेक्ट को हम इजीली ऑपरेट कर सके। ओके, यहाँ पर कुछ एजेस वर्टाइसेस अभी भी दिख रहे हैं, तो सारे वर्टाइसेस को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल बैकस्पेस दे देंगे। आई थिंक एजेस को सिलेक्ट करना होगा। ओके, सारे एजेस सिलेक्ट हो गए, उसके बाद में कनेक्ट्स दे देंगे। कनेक्ट में 100 समथिंग देता हूँ। ओके, अब इतना सिलेक्ट हो जाने के बाद अदरवाइज तो हम इसे एक सिंपल वे में ले सकते हैं। इससे पहले तो 50 देंगे, 50 देने के बाद हम इसमें कुछ ग्रूविंग ऐड कर सकते हैं, तो ग्रूविंग के लिए चैम्फर देंगे। ये सेगमेंट्स निकाल देता हूँ, 2.5 ठीक है, पॉलीगॉन्स पकड़ लेते हैं। ओके, जो एजेस हमारे सिलेक्शन में थे इसे हम कन्वर्ट टू फेस कर सकते हैं, बट फेस में पूरा आ रहा है।
कोई बात नहीं, इसे हम अलग तरीके से मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे पॉलीगॉन सिलेक्ट कर लेंगे आइसोलेशन वे में कंट्रोल के साथ। ग्रूविंग भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, डिलीट भी कर सकते हैं और उसे फेस को फिल करना होगा, तो बेटर यह है कि हम इसे ग्रूविंग कर दें। सिलेक्शन करते वक्त ज़रा ध्यान दे सकते हैं हम। अगर मैंने सिमिलर डिस्टेंस के दोनों में लिया होता तो मैं भी कुछ रह जाने के चांसेस होते। यहाँ पे मैंने एक ग्रूविंग पैटर्न के लिए थोड़े से पतले डिस्टेंस ले लिए ताकि सिलेक्शन इजीली हो जाए। बाकी डिज़ाइन अपने ऊपर है, हम कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट लुकआउट जो है फाइनल वो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। ओके, ये सारे सिलेक्शन कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रूड पे जाएंगे और एक्सट्रूड करते वक्त हम यहाँ पर लोकल लेंगे और -5 रखते हैं। 5 आई थिंक ठीक है, या फिर -3 रख सकते हैं और इसे ओके कर देंगे। ठीक है, और आइसोलेशन मोड निकाल देंगे। अभी यहाँ पे हम देख सकते हैं अच्छी तरीके से ग्रूविंग हो चुका है, और इसमें सिलेक्शन रहते हुए ही अगर हमें कुछ मटेरियल में चेंजेस करने हैं तो वो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मटेरियल ले रहा हूँ, आई थिंक वाइट कलर ले सकते हैं। ओके, ये ज़्यादा बेटर है वाइट। अब हम सिंपली इसे जिस तरीके से चारों तरफ सेट करना है वो करेंगे। सबसे पहले मैं सेव कर देता हूँ ताकि अगर कुछ फाइल करप्ट हो तो चांसेस हो कि हमें मिल सके सिमेट्री। और अगेन इसे मिरर में वाई एक्सिस कॉपी। ओके, सेम यहाँ पर भी हम करेंगे सिमेट्री, देन मिरर और वाई एक्सिस कॉपी। ओके, तो ये कुछ साइड एलिवेशंस हो गए। इसके लुकआउट हम देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है। ओके, और इस साइड से अगर देखना हो तो वो देख सकते हैं कुछ ऐसा है। अब हमें इसके जो सेंटर पार्ट है यहाँ पर मुझे कुछ करना है। आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे सेंटर में थोड़े से फिलअप करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।